आज मेरा जीजू का बर्थडे है तो हम जा रहे हैं जीजू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पे हमारे दीदी खाना बना रहे हैं हमारे के लिए खीर। तो गाइस अभी हमारे जीजू का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी। हेलो एवरीबॉडी, क्या हालचाल, अगेन यूजी हियर। तो स्वागत है मेरा और एक ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है अपने प्यारे घर से। आज का ब्लॉग में भाई बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने दीदी के घर। आज मेरा जीजू का बर्थडे है तो हम जा रहे हैं दीदी के घर जीजू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और अभी तो फिलहाल मैं यहीं पे हूँ, अभी मैं जस्ट नींद से उठा हूँ तो कोई काम धंधा नहीं है, तो अभी हम जाएंगे रेडी होने के लिए। मैं उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग मेरे को देख रहे हो ना प्लीज़ देखा करो यार, पहले से व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं यार, मेरा चैनल रीच बहुत कम हो गया है। तो जो लोग मेरे को ब्लॉग देख रहे हो उनको बताना चाहता हूँ यार देखा करो और सब्सक्राइब करो यार। तो यहाँ से मैं और मेरे भैया जाने वाले हैं बाइक से, तो आज का भाई मज़ा बहुत आने वाला है यार। अभी मैं जा रहा हूँ रेडी होने के लिए, तो रेडी होके फिर जाते हैं जीजू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो फिलहाल गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी हम निकल रहे हैं। ये देखो मेरा बाइक रेडी, लेट्स गो, फिर चलते हैं। तो गाइस अभी हम घर से तो निकल गए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि थोड़ा थोड़ा करके बारिश हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है। दिनों से यार मौसम बहुत ख़राब हो रखा है यार, कभी बारिश होता है तो कभी बारिश नहीं होता है, लेकिन हमको तो दीदी के घर जाना ही है। अगर बारिश में कोई दिक्कत ना हो तो हमको यार 30 मिनट लगेंगे बाइक से जाने में। तो फिलहाल हम देखते हैं क्या होता है, अगर बारिश में रुकना पड़ा तो रुक जाएंगे, लेकिन हमको तो जाना ही जाना है यार। बारिश में जितना दूर हो सके हम जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। फिलहाल थिंग इज गाइस मेरे को लगता है कि बारिश रुक जाएगा, थोड़ा बहुत गिर के फिर नहीं गिरेगा, तो अगर ऐसे ही गिरता रहा तो हम ऐसे बारिश में भी थोड़ा बहुत बिक के चला जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज़ोर से आए बारिश तो फिर रुकना पड़ेगा, और रुकेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा अपने जाने के लिए। तो हम थोड़ा बहुत गाड़ी को भगाने की कोशिश करते हैं, मेरे को लग रहा है हम पहुँच जाएंगे, लेकिन मौसम का कोई भरोसा नहीं है गाइस। मौसम कभी भी ख़राब हो रहा है, अभी कभी भी सही हो रहा है, मौसम अपने फेवर में नहीं है गाइस। अगर होता तो बहुत बढ़िया होता यार, इसलिए ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा हूँ। और कमेंट में बताना है मोटो ब्लॉग करूँ या नहीं करूँ यार, तो मोटो ब्लॉग भी करने की कोशिश करूँगा, लेकिन यार बारिश के टाइम हो रखा है ना, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है जाने में बाहर। लेकिन कोई नहीं, चलो अभी हम थोड़ा स्लो ही जा रहे हैं, बिकॉज यार बारिश में बाइक चलाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा स्लो जा रहे हैं। लेकिन हम लगभग ट्राई करेंगे थोड़ा बाइक को खींचने की। फाइनली गाइस हम लगभग पहुंच चुके हैं दीदी के घर, ज़्यादा दूर नहीं है अब यहाँ से, और बारिश वारिश नहीं हुआ था, हम अच्छे से निकल गए थे वहाँ से, थोड़ा बहुत होके रुक गया था। और अभी तो धूप हो रखा है, थोड़ा बहुत लगता है बारिश नहीं आएगा, तो हम चलते हैं दीदी के घर। हम पहुँच चुके हैं हमारे दीदी के घर, और अभी फिलहाल मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे दीदी खाना बना रहे हैं हमारे के लिए खीर। जीजू दिखाई नहीं दे रहा है तो जीजू को ढूंढते हैं। तो ये रहा मेरा जीजू, और जीजू का बर्थडे थोड़ा बंगाली के रीति रिवाज के अनुसार किया जा रहा है। तो एक एक जन आएंगे, फिर जीजू का आशीर्वाद देंगे, फिर उसके बाद जीजू को ये सब खाना पड़ेगा। बड़े लोगों का हमारे यहाँ से किया जाता है थोड़ा यूनिक तरीके से। तो गाइस अभी हमारे जीजू का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा जीजू खाना खा रहा है यमी यमी खाना। तो फिलहाल गाइस अभी खाना खाते हैं, फिर हम खा रहे हैं दाल भात, तो खाना खाते फिर आपसे मिलते हैं। तो फिलहाल गाइस हमारा हो चुका है खाना पीना, और अभी मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, लेकिन क्या करें अभी तो नहीं सोऊंगा, बट बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है खा के यार, मेरे को खा के बहुत नींद आता है। और अभी फ़िलहाल तो घर भी जाना है, और खाना बहुत बढ़िया था, जिसने बहुत अच्छे से खाना बनाया। बेसिकली खीर जो था ना वो बहुत बढ़िया था, क्या बताओ यार, अभी भी यार मस्त लगा मेरे को खीर। तो अभी फिलहाल थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर घर जाएंगे। तो गाइस मैं सो गया था, अब मैं बाहर आया हूँ, तो बारिश हो रहा है तो क्या बताऊँ। तो अभी मैं एक भैया के साथ घूमने जा रहा हूँ यहाँ से, तो अभी मैं जाते बाज़ार को, तो घर शायद आज थोड़ी लेट में जाने वाला हूँ अभी। तो फिर यहाँ पे थोड़ा घूमते हैं, फिर अपन घर चले जाएंगे। तो अभी बारिश हो रहा है, ये देखो अगर ज़्यादा बारिश हुई तो फिर घर नहीं जा पाऊँगा शायद। इस भैया के साथ मैं जा रहा हूँ बाज़ार को घूमने के लिए, तो फिर चलते हैं। लेकिन बारिश आ रहा है, बहुत भयंकर बारिश होने वाला है। ठीक है बाबा, तो फिर बारिश के मज़े अलग है। फिलहाल बारिश हो रहा है, फिर भी हम जा रहे हैं बाज़ार में घूमने के लिए। क्यों जा रहे हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा। देख सकते हो यार, बारिश हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मुझे भी नहीं पता है। तो बारिश में भीगने में मज़ा है, लेकिन उसके बाद जो बुखार होता है उसमें और ज़्यादा मज़ा है। देखो यार क्या होता है। हमारे जो भैया है वो प्रोफेशनल राइडर है, प्रो राइडर। गाड़ी तो मस्त भगा रहा है, लेकिन बारिश में भीग रहा हूँ। बारिश की वजह से हम यहाँ पे रुके हैं 2 मिनट के लिए। देखते हैं बारिश कम हो गया, फिर हम वापस जाने वाले हैं बाज़ार को। बाज़ार तो जाना है। अभी वेट करते हैं कब बारिश रुकता है। तो गाइस बारिश रुक चुका है, मतलब थोड़ा बहुत गिर रहा है, बारिश ज़्यादा नहीं गिर रहा है। तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो ये रही स्कूटी हमारी, तो चलो इसको चलते हैं बाज़ार को। गाइस बारिश में भीगने के बाद फाइनली बाज़ार पहुँच चुके हैं। तो बाज़ार का लोकेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये रहा बाजार, अभी एंट्री कर रहे हैं बाजार के अंदर। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं बाजार में, और बाजार में तो आए हैं। यहाँ पे बोर्ड इलेक्शन चल रहा है, इसलिए उसके लिए अनाउंस हो रहा है। यहाँ पर हमारा बाजार घूमना हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं घर को। बारिश हो चुका है, तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ घर जाने का है। तो फिलहाल गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं, फिर हम चलते हैं घर अपने। और बारिश रुक चुका है, तो चलते हैं लेट्स गो घर। गाइस हम निकल गए हैं दीदी के घर से, और मौसम तो बहुत बढ़िया हो रखा है। ये चेक करो गाइस, चेक दिस आउट। यहाँ पे मेरा भैया बाइक चला रहे हैं और मैं पीछे बैठा हूँ। तो घर जाने में शायद 10-20 मिनट लगेगा, क्योंकि मेरा भैया उतना अच्छा बाइक नहीं चलाता है। मतलब अच्छा चलाता नहीं, मतलब धीरे चलाता है बहुत ज़्यादा। मतलब 10-20 मिनट तो लगेगा घर पहुँचने के। फिर आपको अपडेट देता हूँ वहाँ पर जाके, घर जाके आपसे फिर मिलते हैं। तो है गाइस, मैं आ चुका हूँ घर में, और घर में आने में थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मैं दूसरे रास्ते से आया, तो थोड़ा लेट हो गया। भाई आज का ब्लॉग भाई बहुत ही मज़ा आया, मेरे को तो बहुत ही मज़ा आया। और दीदी अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो मैं वो जो खीर बनाए थे ना, दोबारा से खिलाना। मेरे को यार खीर बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा यार, मेरा दिल छू गया है। खीर बहुत ही क्या बताऊँ यार, मस्त था एकदम। तो दीदी अगर ब्लॉग देख रहे हो फिर दोबारा से खिलाना मेरे को खीर। तो फिलहाल आज ब्लॉग में बहुत ही मज़ा आया, और घूम के भी मज़ा आया। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक दिन ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।